सारी जिंदगियां क्या पुराणों से बढ़कर है? फ्रेंड, आज हम बात करेंगे साउथ सुपरस्टार नाने की फिल्म दशहरा के पब्लिक रिव्यू के बारे में, और आपको बताएंगे पब्लिक और क्रिटिक्स ने दशहरा फिल्म को कितना ज्यादा पसंद किया, और क्या यह फिल्म बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म बोला के कलेक्शन को पीछे छोड़कर इस महीने की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन पाएगी या नहीं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि दशहरा फिल्म में आपको नानी के साथ और भी कई मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। वहीं फिल्म का बजट लगभग 65 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन इस फिल्म को साउथ में काफी अच्छी स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। वहीं फिल्म ऑल ओवर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी लगभग 2500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। फ्रेंड, जिस वजह से माना जा रहा है दशहरा फिल्म काफी बड़ी पैन इंडिया फिल्मों में से एक है, और फ्रेंड इतनी बड़ी रिलीज होने की वजह से हो सकता है दशहरा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका करेगी। लेकिन फ्रेंड, फिल्म के रिव्यू की बात करें तो दशहरा फिल्म के एक यूनिक स्टोरी होने की वजह से फिल्म को यंग जनरेशन ने काफी ज्यादा पसंद किया, और फिल्म की काफी अच्छी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी रही, जिस वजह से पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 स्टार रिव्यू दिया। और इतना अच्छा रिव्यू मिलने की वजह से माना जा रहा है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन काफी बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। तो फ्रेंड, अगर आपने नानी की फिल्म दशहरा देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, और फ्रेंड आप इस फिल्म को 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार? इसी के साथ फ्रेंड, आपको क्या लगता है, क्या दशहरा फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग कर हिट होगी, सुपर हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या हो जाएगी फ्लॉप? फ्रेंड, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।